दोस्तों अगर आपका इंस्टाग्राम का एड जो है अप्रूव हो चुका है लेकिन आपका एड जो है रन नहीं हो रहा है, उस पर कोई भी इंप्रेशंस नहीं आ रहा है, आपका जो पैसा है डिडक्ट नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में 4 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत ही कॉमन एरर होता है। अगर आप इसको एक बार फिक्स कर लेते हैं या आप इसको एक बार चेक कर लेते हैं तो आपका जो एड है इंस्टाग्राम का वो रन होना शुरू हो जाए। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों का इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आया था कि उनका जो एड है वो ऑलरेडी बहुत ही अच्छे तरीके से एड बनाया उन्होंने इंस्टाग्राम पे, लेकिन उनका एड जो है रन नहीं हो रहा है। इवन उन्होंने पैसा भी डाल दिया, सारी चीजें कर ली, सारे सेटिंग्स को देख लिया, लेकिन उनका एड रन नहीं हो रहा है। क्या प्रॉब्लम्स है, किस तरह से फिक्स कर सकते हैं? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, 4 ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, इसको फिक्स करना होगा। अगर आपने इसको एक बार क्रॉस चेक कर लिया तो आपका एड जो है रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या है वो 4 पॉइंट्स? दोस्तों जो सबसे पहला पॉइंट है वो है एड कॉपी। इंस्टाग्राम पे जब भी आपको एड बनाना है तो गाइज आपको ध्यान देना होगा कि आपका जो एड टेक्स्ट है, आपने कहीं पे फ्लैग वर्ड का यूज तो नहीं किया है, आपने किसी ऐसे वर्ड्स का यूज तो नहीं किया है जहां पे इंस्टाग्राम या फेसबुक उसको फ्लैग कर रखा है, यानी उसको कंसीडर नहीं करता है, और आपने कोई कैची टेक्स्ट लिखा या नहीं। तो इन सारी चीजों का बहुत ही ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर आपके एड्स पे कोई क्लिक नहीं करेगा तो आपका एड्स रन नहीं होगा। और क्लिक करने के लिए आपका जो एड है वो कैची होना चाहिए, उसमें कुछ ऑफर्स वगैरह होना चाहिए। पॉइंट्स को एक बार जरूर क्रॉस चेक करें। और जो दूसरा पॉइंट है ऑडियंस टारगेटिंग, यानी जब भी आपको कैंपेन सेटअप करना है तो आपको अपने ऑडियंस को ब्रॉड रखना है, यानी ज्यादा से ज्यादा रिलेवेंट ऑडियंस को रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो एड है कुछ और है, आपकी जो टारगेटिंग ऑडियंस है आपने कुछ और टारगेट कर रखा है, तो आपका एड जो है रन नहीं करेगा। इसलिए आपको विशेष रूप से आपको अपने ऑडियंस पे ज्यादा ध्यान देना होगा और ज्यादा से ज्यादा ब्रॉड रखना होगा। कभी कभी क्या होता है, जब हमारे ऑडियंस नैरो होते हैं तो हमारा एड जो है डिलीवर नहीं होता है। तो अगर आपके ऑडियंस ब्रॉड होंगे तो आपका एड डिलीवर होगा। और गाइस जो थर्ड पॉइंट है वो है लैंडिंग पेज, यानी आपको एक बार अपने लैंडिंग पेज को चेक करके देखना होगा कि भी आपने जो लैंडिंग पेज यूज किया है वो लैंडिंग पेज आपका काम ना कर रहा हो, उसमें कुछ एरर्स हो, कुछ ऐसे टेक्स्ट वगैरह, कुछ ऐसे वर्ड्स हो आपके लैंडिंग पेज में जो फेसबुक उसको एरर्स हो कर रहा हो, या फेसबुक उसको फ्लैग कर रहा हो, या इंस्टाग्राम उसको फ्लैग कर रहा हो। तो लैंडिंग पेज भी एक बार आप चेक कर लें, आप अपने यूआरएल को चेक कर लें, कहीं भी लैंडिंग पेज पे ऐसा ना हो कि कहीं पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं आप लैंडिंग पेज का यूआरएल कुछ और है, आप कहीं तीसरे सब्जेक्ट पे या कुछ और जगह रीडायरेक्ट कर रहे हैं। तो इन चीजों का भी एक बार आपको ध्यान देना होगा। लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, यहाँ पे आपको क्या करना है, पेमेंट ऑप्शन को एक बार आपको अपने चेक करना होगा। कई कबार क्या होता है कि जब हम पेमेंट करते हैं तो हमारे बैंक से या हमारे डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पैसा तो डिडक्ट हो जाता है लेकिन अकाउंट में पैसा नहीं आता है, यानी जब इंस्टाग्राम पे पैसा नहीं आएगा उनके पास तो वो एड रन नहीं करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि हमारे जब हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट के कई सारे मोड होते हैं, तो कुछ मोड्स के क्या है, पेमेंट तुरंत पैसा आ जाता है इंस्टाग्राम के अकाउंट में, कुछ पेमेंट का 24 आवर भी लग जाता है, कुछ टाइम लग जाता है। तो इस वजह से जब भी आप पेमेंट करते हैं तो एक बार अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट में चेक कर लें, क्योंकि पैसा तो आपके बैंक से कटा है, आपका जो पैसा है आपके इंस्टाग्राम के एड अकाउंट में आया कि नहीं। अगर पैसा एड अकाउंट में आ गया है तो बाकी के ऊपर जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया उसको क्रॉस चेक कर लीजिए, तो आपका एड जो है रन हो जाएगा। और दोस्तों ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया बहुत ही कॉमन पॉइंट्स हैं, यही रीजन होता है, इन्हीं रीजन में से कोई एक रीजन होता है जिस वजह से आपका एड जो है रन नहीं करता है, डिलीवर नहीं करता है। तो नेक्स्ट टाइम अब जब भी आप कैंपेन बनाएं तो इन चीजों का ध्यान देके कैंपेन बनाएं, अगर इस तरह से आप ऐड बनाते हैं तो आपका ऐड रन होगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।